अमजद खान को आज सभी लोग विलेन यानी गब्बर सिंह के किरदार से ही पहचानते हैं, लेकिन हिंदी सिनेमा के इस बेहतरीन अभिनेता ने जिस तन्मयता से नेगेटिव किरदार निभाए, उतनी ही लगन से पॉजिटिव किरदार भी निभाए और अपनी एक अलग पहचान कायम की। फिर चाहे वो दोस्त का किरदार हो, भाई का या फिर पिता का, हर किरदार को अमजद खान ने ऐसा गढ़ा कि हिंदी सिनेमा के इतिहास में अमर हो गया। अमजद खान ने अपनी ज़िंदगी में आई हर मुश्किल का डटकर सामना किया, लेकिन एक घटना ऐसी घटी जिसने उनकी ज़िंदगी बदल दी, या फिर यूं कहें कि उनकी ज़िंदगी को तबाह कर दिया। ये घटना उस वक्त की है जब अमजद खान अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म द ग्रेट गैम्बलर में काम कर रहे थे। फिल्म की शूटिंग गोवा में होनी थी और उसी के लिए अमजद खान अपने परिवार के साथ गोवा के लिए रवाना हुए, लेकिन रास्ते में ही अमजद खान की गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट हुआ जिसमें अमजद खान को काफ़ी चोट आई। अमजद खान की 13 पसलियाँ इस एक्सीडेंट में टूट गई, स्टेयरिंग उनके फेफड़ों में घुस गया। इस एक्सीडेंट के चलते अमजद खान लंबे समय तक के लिए व्हीलचेयर पर टिक गए, उनका ऑपरेशन करना पड़ा। इस दौरान अमिताभ बच्चन ने अमजद खान और उनके परिवार की काफ़ी मदद की। ये भी कह सकते हैं कि रियल लाइफ दोस्ती को अमिताभ बच्चन ने रियल लाइफ में बखूबी निभाया। लेकिन एक्सीडेंट क्या हुआ, जैसे अमजद खान का बुरा दौर शुरू हो गया। अमजद खान का वज़न तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गया। अमजद खान एक ऐसे इंसान थे जो फिटनेस को काफ़ी तरजीह देते थे, रोज़ाना बैडमिंटन खेलना, एक्सरसाइज करना अमजद खान की आदत थी। लेकिन एक्सीडेंट के दौरान पूरी स्थिति बदल गई। उनकी पत्नी शैला खान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक्सीडेंट के बाद सब कुछ रुक गया, दवाइयों और नहीं चल फिर पाने के चलते अमजद का वज़न तेज़ी से बढ़ने लगा। अमजद खान को मीठा बहुत पसंद था, खाने पीने के और ख़ास तौर से चाय के वो शौकीन थे, लेकिन उनका वज़न दवाइयों की वजह से बढ़ा। बढ़ते वज़न के चलते अमजद खान की हालत इतनी ख़राब हो गई कि वो कोमा में भी चले गए। हालांकि कुछ वक्त बाद इससे बाहर भी आए, लेकिन 1994 में 27 जुलाई की वो रात अमजद खान और पूरे परिवार के लिए एक बुरा सपना साबित हुआ और वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन अपनी भूमिकाओं में, अपनी अदाकारी में अमजद खान एक सितारे की तरह हमेशा रोशन है। आज तक डिजिटल की तरफ से अमजद खान को श्रद्धांजलि। फालतू बात या बकवास नहीं करेंगे बर्दाश्त, खड़ी हो जाएगी खाट जब चित्रा लगाएगी वाट, वाट लगाती चित्रा त्रिपाठी, सिर्फ आज तक डिजिटल पर।